विश्व महिला दिवस पर महिला उत्थान मंडल की बहनों ने संत श्री आशाराम बापू की रिहाई की मांग करते हुए एक रैली का आयोजन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। श्री योग वेदांत सेवा समिति के तत्वाधान में चलाए जा रहे महिला उत्थान मंडल द्वारा विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशाल संस्कृति रक्षा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा हिंदी भवन से शुरू होकर कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समाप्त हुई। ज्ञापन में बताया गया कि संत श्री आसाराम जी बापू के निर्दोष होते हुए भी उन्हें जेल में रखा गया है, जिससे संत समाज और उन पर विश्वास करने वालों की आस्था को ठेस पहुँच रही है। इसे देखते हुए संत श्री आसाराम जी बापू को जल्द से जल्द रिहाई दी जाए। इस यात्रा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं इस अवसर पर सैकड़ों महिलाओं ने संत श्री आसाराम जी बापू के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर महिलाओं ने बताया कि पास्को एक्ट का दुरुपयोग करते हुए संत श्री आसाराम जी बापू को झूठे केस में फंसाया गया है, और इतना ही नहीं 85 वर्ष के बीमार संत को 9 वर्षों में न तो एक दिन बेल मिली और न ही एक दिन के लिए पैरोल दी गई। संत श्री आसाराम जी बापू के अनुयायियों द्वारा लगातार पूरे भारतवर्ष में उनकी रिहाई को लेकर आला अधिकारियों एवं मंत्रियों से मांग की जा रही है। देखना होगा कि इन श्रद्धालुओं और भक्तों की मांग कब तक पूरी हो पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।